सभी सीतामढ़ी वासियों को मेरी ओर से बहुत सारे नव वर्ष की शुभकामनाएं। सभी के जिंदगी में नव वर्ष बहुत सारी खुशियां लेके आए। उम्मीद करता हूं कि 2019 सीतामढ़ी के लिए नए आयाम गढ़े जाएंगे। जिस तरह से 2018 को हम लोग आज विदाई कर रहे हैं, उस तरह से 2019 में भी उससे ज़्यादा हम लोग बेटर करेंगे। और बहुत सारी कुछ हमें करना है, नए मल्टीप्लेक्स बनाने हैं, नए मॉल खोलने हैं, 24 घंटा का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और फूड जोन बनाना है वो नगर उद्यान के पास, ये हम लोगों ने प्लान किया है। नए मेडिकल कॉलेज मुरादपुर में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आना है, उसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग कर रखी है। साथ ही युवाओं को रुझान, युवाओं का ऐप के द्वारा उनके रुझान लिए जा रहे हैं, यूथ फॉर डीएम में लोग काम कर रहे हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि युवाओं को भी उनको रोज़गार भी मिले और उनके करियर ओरिएंटेशन के लिए मैं जल्दी ही क्लास शुरू करने जा रहा हूँ और उनको क्लास भी दूंगा, उनको काउंसलिंग भी करूँगा। बहुत कुछ है 2019 में, उम्मीद करता हूँ कि 2019 में खासकर जो गरीब हैं, जो अब तक रह गए हैं विकास के मुकदरा से बाहर, उनके लिए हम लोग कुछ कर पाएंगे। और जितने भी सीतामढ़ी वासी हैं, खासकर वे लोग जो सक्षम हैं, उनसे मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम वो एक से दो परिवार जो गरीब हैं उनके लिए कुछ न कुछ ऐसा करें ताकि उनका जीवन जो है वो अपलिफ्ट करे, उनका अच्छा हो। इसके इन सब शुभकामनाओं के साथ सभी सीतामढ़ी वासियों को एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएँ। उम्मीद करता हूँ 2019 आप सबके ज़िंदगी में नई खुशियाँ लेके आएगी। आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे। स्वच्छ सीतामढ़ी, सुंदर सीतामढ़ी की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।